बस आज हम चिकन कटलेट बनाएंगे। उसके लिए हम हाफ के जी यहाँ पर बोन वाला चिकन लिए, आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं। हमें बाद में इसका रेशा करना होता है, इसके लिए बोनलेस या बोन वाला कैसा भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 2 टीस्पून हम डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम इसमें। और इसमें एक प्रेशर आने के बाद, हाई फ्लेम पे एक प्रेशर आने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे पका के हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। देखिए गैस के फ्लेम को हम नेचुरली रिलीज़ होने देंगे और अब हम इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसे गैस के हाई फ्लेम पर इसे जला लेंगे पानी को। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पानी ड्राई हो गया है। इस स्टेज पे हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे और इसका हमने बारीक बारीक रेशा कर लेना है, हाथ से इसे शेड कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर हम चिकन को रेशे कर लिए हैं और यहाँ पर हम 3 से 4 हैं मीडियम साइज़ के आलू हैं 4, उनको बॉईल करके मैश कर लेना है। ये सारा इसमें हम ऐड करेंगे। उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे ये 1 कप है शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 कप है पत्ता गोभी बारीक कटी हुई और 1 कप है गाजर, इसको हम बारीक सा ग्रेट कर लेंगे। तो सारी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1/2 टीस्पून है चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा है ये हरा धनिया और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। आप इसमें नमक टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लग रहा हो तो इस स्टेज पर थोड़ा सा नमक आप ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इस पर टिक्की का शेप देंगे, हाथ पे पानी अप्लाई करेंगे। आप इसे गोल या ओवल शेप का जैसा चाहे शेप दे सकते हैं, मैं यहाँ पर इसे ओवल शेप का बनाऊँगी। आप जैसा चाहे छोटा बड़ा इसे बना सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, थोड़ा सा इसे पतला ही रखना है। देखिए इस तरह से सारे हम बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सारे बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए हम एक कटोरी में लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे मिक्स करेंगे। इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। ये देखिए हमारा मिक्स हो गया है। और यहाँ पर हम लेंगे सेवई है, ये बारीक सेवई, आप चाहे तो मोटी सेवई या फिर ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेवई लगा रही हूँ, इससे बहुत ही खूबसूरत कबाब बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए हम एक कटलेट उठाएंगे, उसे एक मरतबा कॉर्नफ्लावर में डिप करेंगे, फिर उस पर दूसरे हाथ से उस पर सेवई अच्छे से हल्का हल्का सा प्रेस करके बिल्कुल अच्छे से सेवई की कोटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे हम प्लेट में रखते जाएंगे और इस तरह से हम सारे बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए हम सारे बनाकर तैयार कर लिए, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। कटलेट को फ्राई करने के लिए हमें ज़्यादा तेल को नहीं डालना है पैन में, हमें थोड़ा ही तेल डालना है। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर हम एक एक करके इसमें डालेंगे कटलेट को।
और इसमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे हम फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसे 2 से 3 मिनट तक एक साइड पकाएंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है, इसे हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। इसे भी 2 मिनट तक कुक करेंगे, फिर हम इसे प्लेट पे निकालेंगे। ये देखिए दोनों तरफ ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त हमारे सारे कटलेट बनकर तैयार हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे आप चटनी या फिर सॉस किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।